मामूली चुनौती। कॉलर पकड़कर पुराना वीडियो मांगता हूँ, दिखाते क्यों नहीं। केजरीवाल सिसोदिया बीजेपी से गठबंधन कर लेते तो नहीं जाते जेल। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत अपने चरम पर है। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैं कॉलर पकड़कर अपना पुराना वीडियो मांगता हूं, लेकिन दिखाते क्यों नहीं हो। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर हमने कोई गलती की है और तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो तुम 18 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में बंद करके क्यों रखे हो। लेकिन मैं 8 साल से यहाँ घूम रहा हूँ, मैं कॉलर पकड़कर तुम्हारी औकात बता रहा हूँ, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं, हम देश हित के लिए काम करते हैं। एक व्यक्ति को MP और प्रधानमंत्री बनाने का ये चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का है। ये चुनाव इस बात का फैसला करने का है कि इस देश में संविधान रहेगा या नहीं। अगर केजरीवाल और सिसोदिया बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते तो शायद उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। अगर जनता बदलाव चाहती है तो हम एक विकल्प के रूप में आपके सामने खड़े रहेंगे।